हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे इंग्लिश एनसीईआरटी क्लास सेकेंड का चैप्टर ग्रास हॉपर एंड द आंट। वंस देयर लिव्ड अ लेजी ग्रास हॉपर, ही डिडेंट लाइक टू वर्क। एक बार की बात है, एक बहुत ही ज़्यादा आलसी ग्रास हॉपर, ग्रास हॉपर का मतलब होता है टिड्डा, तो एक बार की बात है, एक बहुत ही आलसी टिड्डा रहता था। लेजी का मतलब होता है टिड्डा। ही डिडेंट लाइक टू वर्क, उसको काम करना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। ऑल डे लॉन्ग ही सैंग सॉन्ग्स एंड प्लेड इन द वॉर्म सनशाइन, और वो पूरा दिन गाने गाता था और गरम धूप में खेला करता था। वॉर्म का मतलब होता है गरम, सनशाइन का मतलब होता है धूप। ही लुक एट मी, आई एम एज हैप्पी एज कैन बी। द ग्रासहॉपर लाफ्ड एट द हार्ड वर्किंग आंट्स एज दे वर्क डे एंड नाइट। तो वो जो होता है ग्रासहॉपर टिड्डा, वो बोलता है हंस के आंट्स को देख के, वो बोलता है कि देखो मैं कितना ज़्यादा खुश हूँ, और वो हंस रहा होता है। जो बहुत ही मेहनती चींटियाँ होती हैं उनको देखकर, जो चींटियाँ होती हैं वो तो दिन रात मेहनत कर रही होती हैं। हार्ड वर्किंग का मतलब होता है मेहनती। वी आर स्टोरिंग ग्रेन फॉर द लॉन्ग विंटर अहेड, दे रिप्लाइड। तो फिर आंट्स ने कहा कि हम है ना, हम जो खाना इकट्ठा कर रहे हैं जो लंबी सर्दियाँ आएंगी ना उनके लिए। द लेजी ग्रास हॉपर ओनली लाफ्ड लाउडर, तो जो आलसी टिड्डा था वो और भी तेज हंसने लगा। समर एंडेड एंड द कोल्ड विंटर अराइव, गर्मियाँ ख़त्म हो गई और ठंडी सर्दियाँ शुरू हो गई। द विंड ब्लू स्ट्रॉन्ग एंड इट स्टार्टेड स्नोइंग, और जो हवा थी वो बहुत ही तेज़ी से चलने लगी और बर्फ़ भी पड़ने लगी। द ग्रास ऑपर नाउ बिगेन टू वरी, अब ग्रास ऑपर को चिंता होने लगी। वरी का मतलब होता है चिंता। देर इज़ नो फूड टू ईट, नो ग्रास, नो फ्लावर्स और लीव्स, अब ना ही कोई खाना था, ना ही घास थी, फूल भी नहीं थे और ना ही पत्तियाँ थी। फ्लावर का मतलब होता है फूल, लीव्स का मतलब होता है पत्तियाँ। आई कांट सी इवन द टाइनीस्ट फ्लाई और वॉर्म, उसको नहीं दिख रहा था एक छोटा सा भी कोई मक्खी या फिर कोई कीड़ा। टाइनी का मतलब होता है छोटा, फ्लाई का मतलब होता है मक्खी, वॉर्म का मतलब होता है कीड़ा। वॉट विल आई डू, फिर वो ग्रास हॉपर जो होता है वो कहता है कि अब मैं क्या करूँ। आई विल श्योरली स्टार्व, ही क्राइड, वो कहता है कि मैं, मुझे पक्का भूख से ही मर जाऊंगा मैं तो। स्टाफ का मतलब होता है बहुत ज़्यादा भूख लगना। लेट मी मीट माई काइंड नेबर द आंट, फिर वो सोचता है कि चलो मैं जो मेरे बहुत ही अच्छे दयालु जो मेरे पड़ोसी थे आंट्स चीटियाँ, उनसे मिलता हूँ। काइंड का मतलब होता है दयालु, नेबर का मतलब होता है पड़ोसी। द ग्रास ऑपर रिमेंबर्ड हाउ द हार्ड वर्किंग आंट हैड स्टोर्ड अवे ग्रेन फॉर द विंटर, क्योंकि ग्रास ऑपर को याद आ गया होता है। रिमेंबर का मतलब होता है याद है ना, कि किस तरीके से जो मेहनती चीटियाँ थी उन्होंने खाना इकट्ठा कर लिया था सर्दियों के लिए। ही नॉक्ड एट हर डोर, फिर वो जाता है ग्रास हॉपर और आंट्स के डोर पे, दरवाजे पे नॉक करता है। डियर आंट, आई एम हंग्री एंड कोल्ड, वो बोलता है आंट से कि मैं बहुत ही भूखा हूँ और मुझे बहुत ठंड लग रही है। आई हैव नथिंग टू ईट, मेरे पास कुछ भी खाने के लिए नहीं है, प्लीज़ कैन यू गिव मी सम फूड। वो कहता है क्या तुम मुझे कुछ खाना दे सकती हो। आंट शुक इन एंगर, लेजी वन, व्हाट वर यू डूइंग ऑल समर। तो जो आंट होती हैं गुस्से में बोलती हैं, आलसी, पूरे जो गर्मियाँ हैं उसमें तुम क्या कर रहे थे। यू वर ओनली सिंगिंग एंड डांसिंग, तुम सिर्फ गाना गा रहे थे और इधर उधर डांस कर रहे थे। यू शुड हैव थॉट ऑफ द कोल्ड विंटर मंथ्स अहेड, तुम्हें पहले से ही सोचना चाहिए था ठंडी सर्दियों के बारे में महीनों पहले ही। गो अवे, शी स्लैम्ड हर डोर शट, और उसने कहा चीटी ने कि तुम यहाँ से चले जाओ, और बहुत ही तेज़ी से अपना दरवाज़ा बंद कर दिया। द लेजी ग्रास हॉपर वॉज लेफ्ट एज हंग्री एज बिफोर, और जो आलसी ग्रास हॉपर टिड्ढा था वो पहले के जैसा ही भूखा रह गया। हंग्री का मतलब होता है भूखा। तो हमने कौन कौन से वर्ड सीखे, हमने सीखा हार्ड वर्किंग, हार्ड वर्किंग का मतलब होता है मेहनती, अराइव का मतलब होता है पहुंचना, स्टार्व का मतलब होता है भूख लगना, और स्लैम का मतलब होता है किसी भी चीज़ को बहुत ही तेज़ी से पटकना या मारना। देखिए अब इसमें क्वेश्चंस सीखते हैं हम। इसके क्वेश्चन है, हाउ डिड द ग्रास हॉपर स्पेंड हिज डेज, तो ग्रास हॉपर जो था, टिड्डा जो था, वो किस तरीके से अपने दिनों को बिताया करता था। तो इसका आंसर होगा द ग्रास हॉपर स्पेंड हिज डेज सिंगिंग एंड डांसिंग। डिड द ग्रास हॉपर फाइंड फूड इन द विंटर, नो द ग्रास हॉपर डिड नॉट फाइंड फूड इन द विंटर। वॉट डिड द आंट टेल द ग्रास हॉपर वेन ही आस्क्ड फॉर फूड, आंट टोल्ड ग्रास हॉपर दैट वाई ही डिड नॉट कलेक्टेड फूड फॉर द विंटर, ही सैंग एंड डांस ऑल ओवर द समर एंड दे स्लैम्ड द डोर इन द फेस ऑफ ग्रास हॉपर। देखिए आगे क्या है, अब हमें क्या करना है, इसमें सर्कल करने हैं कि जिन जिनके मतलब सेम हैं।
तो स्पीक का मतलब होता है बोलना और टॉक का मतलब भी होता है बोलना, तो इन दोनों का मतलब होता है सेम। कंप्लीट का मतलब होता है फिनिश, और मतलब ये तो आमने सामने लिखे हुए हैं, जो सेम सेम वर्ड्स हैं वो आमने सामने लिखे हुए हैं, मगर शाउट का मतलब चिल्लाना होता है। कंप्लीट स्टार्ट और फिनिश, कंप्लीट और स्टार्ट का मतलब होता है कंप्लीट करना, पूरा करना मतलब फिनिश करना, और स्टार्ट का मतलब होता है शुरुआत करना। स्मॉल थिन लिटिल, हाँ मतलब थोड़ा थोड़ा सा डिफरेंस है इनमें। बिग का मतलब होता है लार्ज, ठीक है, मगर फैट का मतलब होता है मोटा, तो इस तरीके से आप इसमें देख सकते हैं। तो हमारा हो गया चैप्टर ऑलमोस्ट कंप्लीट, आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। अच्छा लगा तो लाइक करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।